हैप्पी हेल्दी वेल्दी टाइम्स। आज मैंने बनाया है चीज बस्ट पराठा। ये बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा सानेंगे। 1.5 कटोरी आटा लिया है मैंने। इसमें मैं डाल रही हूँ स्वादानुसार नमक। नमक को आटे में अच्छे से मिला लेंगे। अब आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटा सानते जाएंगे। आटे को उसी तरीके का सानेंगे जिस तरीके का हम रोटी और पराठे के लिए सानते हैं। एक बार में ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको सानते जाएंगे। आटे को मैंने सान लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा घी या तेल कुछ भी लगा देंगे। मैं घी लगा रही हूँ इसके ऊपर। इसको लगा के 10 मिनट के लिए आटे को रख देंगे। आटे को 10 मिनट हो रहा है, तब तक मैं पराठे की स्टफिंग तैयार कर लेती हूँ। तो ये यहाँ पर मैंने मोजरेला चीज लिया है, ये पिज्जा वाला है, ये कद्दूकस किया हुआ ही आता है। आप स्लाइस भी ले सकते हैं इसके लिए, या फिर क्यूब भी ले सकते हैं, उसको कद्दूकस करके डाल सकते हैं इसमें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीज स्प्रेड। चीज बस्ट पराठा बना रहे हैं तो इसमें चीज स्प्रेड डालना बहुत ही जरूरी है। तो ये मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ इसमें। ये मैं स्पाइसी वाला डाल रही हूँ, आप कोई भी नॉर्मल वाला भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें सारी सब्जी डाल लेंगे। तो ये एक बड़ा प्याज है, एक मीडियम साइज का टमाटर जिसके बीज को मैंने निकाल दिया है, एक मीडियम साइज का शिमला मिर्च और ये 6 ऑलिव्स हैं। तो सारी चीजों को मैंने महीन काट लिया है। सारी चीजें इसमें मिला देंगे, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, ऑलिव्स। आधा चम्मच से ज्यादा काली मिर्च का पाउडर है, ये क्रश किया हुआ काली मिर्च का पाउडर है। आधे चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स 1 चम्मच और थोड़ा सा नमक। नमक मैंने आटे को सानते टाइम भी डाला था, और चीज में भी नमक होता है तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि नमक कम ही डालेंगे। अब हम सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। 1 स्टफिंग रेडी है। आटे को भी 10 मिनट हो गया है, तो एक बार आटा भी चेक कर लेते हैं। आटे को एक बार मिला लेंगे अच्छे से। अब पराठे को बेल लेंगे। सबसे पहले हम आटे से लोई बनाएंगे। दो बराबर लोई बनाएंगे।
इस तरीके से। अब इसको सूखे आटे में मिलाएंगे और इसको रोटी की तरह बड़ा बेल लेंगे। ज्यादा मोटा नहीं रखेंगे इसको, पतला बेलेंगे, जिस तरीके से हम रोटी बेलते हैं उसी तरीके से इसको पतला बेलेंगे। अब इसको कटोरी से काट लेंगे गोल, बड़ा छोटा आपका जितना साइज का बनाने का मन हो उसी तरीके से हम इसको काट लेंगे। बिना काटे भी बना सकते हैं आप, दोनों एक साइज का रोटी बेल लेंगे दो और इसको बना लेंगे। मैं काट के बना रही हूँ तो इसको रख देते हैं। और एक और इसी तरीके से ये जो मैंने दूसरी लोई बनाई है उससे भी इसी तरीके का एक और रोटी बना लेंगे। रोटी को मैंने बेल लिया है, अब इस पे लगा देंगे पिज्जा सॉस। ये होममेड पिज्जा सॉस है, इसका लिंक मैं वीडियो के लास्ट में डाल दूंगी जिससे कि आप घर पर ही पिज्जा सॉस बना लें। तो इसको किनारे में नहीं फैलाएंगे, बीच में ही फैलाएंगे। अब इसमें डाल देंगे ये जो मैंने पराठे की स्टफिंग बनाई है, इसको सॉस के ऊपर अच्छे से फैला देंगे। कम ज्यादा आपका जितना डालने का मन हो, जैसा आपको पसंद हो, ज्यादा स्टफिंग या फिर कम, उस तरीके से इसमें फैला देंगे। अब हम इसके साइड में थोड़ा सा पानी लगा देंगे। तरीके से सारे किनारे में। और ये जो एक और मैंने रोटी बनाई है उसको इसके ऊपर रख देंगे। पानी डालने से ये अच्छे से चिपक जाएगा। दबा देंगे इसको किनारे से। अब एक फोर्क लेंगे और उससे किनारे से इसको थोड़ा सा दबा देंगे जिससे कि जब हम पराठा सेकें तो ये खुले नहीं। तरीके से दबा देंगे और इसमें थोड़ा छेद भी कर देंगे। इस तरीके से तवा को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। अब हम तवे पे इस पराठे को डाल देंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे और इसको ढक्कन से ढक देंगे। एक मिनट के लिए इसको पकाना है। एक मिनट हो गया है, पराठा एक तरफ से सिक गया है। अब इसको पलट देंगे। इसके ऊपर हम घी या तेल कुछ भी लगा देंगे, बटर भी लगा सकते हैं आप इसके ऊपर। मैं घी लगा रही हूँ। और नीचे की तरफ से भी हम इसको ढक के एक मिनट के लिए सेक लेंगे। पीछे की तरफ से भी पराठा सिक गया है, ढक्कन को मैंने हटा दिया है। इसको पलट देते हैं और पीछे की साइड भी हम इसमें घी लगा देंगे जिससे कि ये जो किनारा है वो भी अच्छे से सिक जाए। और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से किनारे को दबाते हुए सेक लेंगे। दो
दोनों तरफ से पराठा अच्छे से सिक गया है, किनारे से भी ये अच्छे से सिक गया है, तो इसको निकाल देते हैं। ये दूसरा पराठा है, इसको भी मैंने उसी तरीके से दबा के बंद कर दिया है। अब इसको फोर्क से थोड़ा थोड़ा इस तरीके से साइड से दबा देंगे। और इसमें हम पहले वाले में मैंने फोर्क से इसके बीच में छेद कर दिया था, इसमें नहीं करेंगे, ये इसी तरीके का बनाएंगे। आप दोनों तरीके से बना सकते हैं पराठे को। इसको भी हम उसी तरीके से ढक के एक मिनट आगे और एक मिनट पीछे सेक लेंगे। एक मिनट हो गया है, इसको पलट देंगे। दूसरा वाला पराठा भी अच्छे से सिक गया है, जिसमें मैंने छेद नहीं किया था। ये आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे से पराठा फूल गया है। इसको भी निकाल लेते हैं। तीन पराठा मैंने बना लिया है, तो ये हमारा चीज बस्ट पराठा बनके रेडी है। एक बार आप इसको बना के ट्राई जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।